केजरीवाल का क्या करा केजरीवाल ने? अरे क्या फ्री दे रहे? गंदा संदा पानी आ रहा, क्या दे रहे बताओ? हाँ बीमार हो रही है दुनिया, हाँ पानी पी पी के बताओ। कौन सी बेटियों की बात वो प्रधानमंत्री जी करते हैं जिन्हें परिवार के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के सुख के बारे में, दर्द के बारे में नहीं पता। सड़कों पे सवाल होगा, पेंशन पे सवाल होगा, बिजली पानी यही तो मुद्दे दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं देखिए दिल्ली का मॉडल कितना शानदार दिल्ली को बना दिया हमने। देखिए फिर आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा में कितनी बुरी तरीके से उन्हें शक्ति मिली और किस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में मुंह की खाने के लिए तैयार रहे। लेकिन मैम सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह की राजनीति हो रही है, मारने काटने की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, किस तरह से इसको क्या? देखिए ये भाजपा की रणनीति है, सब समझते हैं। पूरा सेंटर जिस तरीके से इस वक्त बिका हुआ है ये एक एक जनता जान गई है। सवाल ये है कि जवाब अब वक्त देने का आ गया है। मैं मानती हूँ कि जिस दिन हमारी माताएं बहनें महिलाएं उठ जाएंगी तो इस सरकार को हम घुटने टिकाने का पूरा दम रखते हैं और इस बार 2025 में उसी चीज़ का आगाज होने जा रहा है। महिलाओं की आप बात कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इंडिया अलायंस, कांग्रेस वाले घुसपैठिया समर्थक हैं, आपकी रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। देखिए मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हाथरस की बेटी का न्याय दें, सबसे पहले जो जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियाँ बैठी थी उनका न्याय दें। वो उन बेटियों को न्याय नहीं दे पाए जो देश का सम्मान गौरव रख रही हैं। स्मृति ईरानी जी के बेटी के अवैध बार के ऊपर गोवा में जब सवाल उठता है तो पूरा सेंटर बौखला जाता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। क्या हम सबकी बेटियाँ बेटियाँ नहीं हैं? हाथरस की बेटी बेटी नहीं थी क्या? जंतर मंतर पे बैठी हुई बेटियाँ बेटियाँ नहीं हैं क्या? कौन सी बेटियों की बात वो प्रधानमंत्री जी करते हैं जिन्हें परिवार के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के सुख के बारे में, दर्द के बारे में नहीं पता। लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा? प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कई बार दाव पे लगाया गया, एक बार नहीं कई बार दाव पे लगाया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान चले जाते हैं जब बिरयानी खाते हैं तब भी दाव पे लगाया है और उसके अलावा विदेशों में जाकर के भी दाव पे लगाया है। लेकिन अब बात है दिल्ली के चुनाव की। मैं ज़्यादा बड़ी राजनीति पे नहीं जाऊँगी लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि दिल्ली इन लोगों को जवाब देने के लिए, दोनों ही लोगों को जवाब देने के लिए, आम आदमी पार्टी को और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले समय में आप देखेंगे। पाँच साल कहाँ बंदी है बताओ? हाँ हमारे साथ बुढ़े गुजर हमारी बंदी कितने की बंदी बंदी है बताओ? किशन बंधवानी चाहिए सिलेंडर 1100 के आ रहे हैं, 800 के आ रहे हैं, कहाँ से गरीब आदमी भरेगा सिलेंडर? उनको मेहनत मजदूरी करता है, रोडों पर काम करता है, सिलेंडर भरेगा, बच्चों को पालेगा, क्या करा केजरीवाल ने? अरे क्या फ्री दे रहे? गंदा संदा पानी आ रहा, क्या दे रहे बताओ? हाँ बीमार हो रही है दुनिया, हाँ पानी पी पी के बताओ, क्या कर रहा है बस में? फिर लेडीज फ्री कर रखी है, लेडीज फ्री है, जेंट्स नहीं है, जेंट्स नहीं है, जेंट्स नहीं है कोई भी बताओ? तो जेंट्सों को भी तो होना चाहिए, सम्मान कर रहे हैं, जेंट्स होना चाहिए, तो जेंट्स भी तो हमारे संग है, हम किसी जेंट्स के पीछे, हम भी तो हम किसी जेंट्स से लग नहीं है और क्या, जब लेडीज का रखा था जेंट्स को करना चाहिए। कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस जब इंदिरा का राज था नहीं, बहुत मौज थी, जितना से इंदिरा हट गई नहीं उतना से दुनिया बेकार हो गई। चाहे राजीव वो आ जाओ, केजरीवाल आ जाओ, चाहे मोदी आ जाओ, चाहे योगी आ जाओ, जो इंदिरा के राज में था वो अब राज नहीं है भाई। लोग कहते हैं इमरजेंसी लगी थी। हाँ जी इमरजेंसी लगी थी। दुनिया मर रही है, बीमार हो रही है, डेंगू फैल रही है दुनिया भर के, बीमारी फैल रही है दुनिया भर के। अरविंद केजरीवाल जी को हल्ला क्लिनिक बनाए हैं। किन्ने? हल्ला क्लिनिक आपके इलाज के लिए फ्री में इलाज? हाँ फ्री बनाए हैं सबके, पड़े रहे अस्पताल में, रोड पर गिर रहे सड़क में, बेड भी नहीं मिलते उन्हें, बेड भी नहीं मिलते भैया। हाँ क्या करे, गरीब आदमी मनने पे है, गरीब आदमी को तो मनने पे, गरीब आदमी मोदी जी को चुन रहा है।
हमने नहीं चुना, आपने नहीं चुना। मोदी जी 150 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बनाता। आप नहीं मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। हम तो राजीव गांधी के हिस्से, अपने राजीव के।